हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पे। और मैं पीयूष महेश्वरी पीएमएस, जो कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मजे दिलाने वाला हूँ। और माफ़ी मांगता हूँ, दो तीन दिन से थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से आ नहीं पाया। और आज जो अपना पीरियोडिक टेबल चल रहा था, उसी के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, किस तरीके से एटम्स को अरेंज किया गया, ठीक है ना। सबसे पहले तो आई थी प्राउट्स हाइपोथेसिस। क्या आई थी बेटा? प्राउट्स हाइपोथेसिस। और प्राउट्स हाइपोथेसिस के अंदर उन्होंने ये माना था कि हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हुए हैं सारे एलिमेंट जितने भी है, वो सारे हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पर ये जो 8 है, ये जो 8 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 एटम्स को। पर ये गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कई सारे उन्होंने एक्चुअली प्रोटॉन्स को देखते हुए बोला, फर्दर स्टडी हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस जो है वो जनरली मर्ज नहीं होते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो इस तरीके की जो थीसिस थी वो कैंसिल हो गई। और ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट आया था वो लेवोजिए का आया था। किसका आया था? लेवोजिए का आया था। तो क्या थे क्या नहीं थे वो अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, पिछले 10 सालों से कोटा के अंदर पढ़ा रहा हूं। कई सारे आईआईटियंस एनआईटियंस मैंने पढ़ाए हैं। इस साल का जो AIR 1500 का स्टूडेंट था प्रखर जगवानी, वो मेरा स्टूडेंट रहा है, जिसकी एडवांस में 78 रैंक थी, ठीक है दोस्तों। तो मैं अनअकैडमी प्लस पे भी आ रहा हूं जल्दी अपनी क्लासेस लेके, जहां पे आप जो है वो मेरे अलावा बहुत सारे टीचर्स के साथ में जो है वो क्लासेस कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो फीस है, बड़ी नॉमिनियल फीस है, साल भर के सब्सक्रिप्शन की आपको जो है वो मात्र 25,000 रुपीस देनी है। कितनी देनी है? 25,000 रुपीस देनी है, जिसमें साल भर क्लासेस के अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स हम पूरे साल, मतलब जेई एडवांस के एंड तक आपके साथ रहेंगे। जो जेई 2020 खेल रहे हैं, ठीक है ना, जो 2021 खेल रहे हैं, उन वो उसको रिन्यू करवा सकते हैं और वापस से नए साल के लिए एंटर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि आप सबको पता है रेफरल कोड के बारे में, जैसे स्विगी हो गया, मतलब बहुत सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग्स होती है उनके अंदर रेफरल कोड्स होते हैं, और रेफरल कोड्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिलता ही है। अगर किसी के प्रमोशन के थ्रू आप अगर जा रहे हैं, जैसे आप मेरे थ्रू जा रहे हैं, जैसे ऑफलाइन में भी ऐसा होता है, ऑफलाइन में अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते तो मैं कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिलवा देता, वही चीज़ ऑनलाइन के अंदर है। थोड़ा सा हमारी भी ग्रेविटी होती है भाई, थोड़ा सा हमारी भी चलती है ना, इस वजह से ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप यहां पे कोड डालते हैं, कौन सा बेटा? पीएमएस सर या पीएमएस, क्योंकि बच्चे मुझे पीएमएस के नाम से जानते हैं, पीयूष महेश्वरी शॉर्ट फॉर्म है ना, और या फिर पीयूष लाइव, दो तरह के कोड है। अगर दोनों में से कोई सा भी कोड यूज करते हैं आप, तो आपको जो है वो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और आपकी फीस इस तरीके से मात्र 22,500 हो जाती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक बात थी अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड। तो हम बात कर रहे थे किसकी, क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो एलिमेंट्स बहुत सारे थे शुरू में, तो एलिमेंट्स कम थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। शुरू में इतनी स्टडी भी नहीं हुई थी तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत कम थी, तो काम चल रहा था, कोई जरूरत नहीं पड़ी। पर उन्होंने देखा जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, डिस्कवरीज होती जा रही है, ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, तो जरूरत पड़ी है उनकी स्टडी को इजी करने के लिए। तो उनकी स्टडी को इजी करने के लिए उन लोगों ने क्या करा कि भाई इनको क्या है, सेम प्रॉपर्टी वालों को एक साथ रखो, जिससे कि हमारी स्टडी आसान हो जाए। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड द मिलियंस ऑफ देयर कंपाउंड, हेंस द सिंप्लीफाई अ सिस्टमेटिक द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, दे आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स एंड पीरियड। अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, मतलब जो पहले अटेम्प्ट किए गए वो कौन से, आज के टाइम में तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, जिसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स हमने डिस्कस करी थी, जिसके अंदर 4F 5F की ट्रिक्स भी थी। तो दोस्तों बात ये थी कि अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें, तो पहले क्या क्या अटेम्प्ट किए लोगों ने, किस तरीके से एटम्स को क्लासिफाई किया, तो वो चीजें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे। तो देखे दोस्तों,
ये तो समझ में आ गया कि जरूरत क्यों पड़ी, स्टडी को इजी करने के लिए, क्योंकि आप देखो ना, एक सिर्फ कार्बन के नाम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक कार्बन के, क्योंकि मतलब असंख्य बहुत सारे कंपाउंड्स है, एलिमेंट है के पर कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, तो किस किस की स्टडी किस किस तरीके से करें। हाँ ठीक है, माना कार्बन अपने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस वजह से उसके कंपाउंड्स की स्टडी हम अलग तरीके से करते हैं और एक सेपरेट तरीके से करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि दूसरे एलिमेंट जरूरी नहीं है। तो अगर हम एक एक एलिमेंट की इस तरीके से स्टडी करने लगे तो हो गया गेम फिर तो, ठीक है ना। मतलब ट्वेल्थ के अंदर ही अपन को क्या है, रिसर्च में जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों क्या है कि सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हाँ, जिनको स्पेसिफिक केमिस्ट्री पढ़नी हो, आगे जाके बहुत वास्ट तरीके से चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। और अभी के लिए अगर अपन बात करें तो अभी अपने को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अभी तो अपन सिर्फ बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, सब्जेक्ट का नजरिया देख रहे हैं कि भैया ये सब्जेक्ट में क्या है, ये सब्जेक्ट में क्या है, ये सब्जेक्ट में क्या है। तो सबको ध्यान रहे कि फ्यूचर में अपन को क्या लेना है या क्या मिल रहा है। कई बार क्या होता है, अपने पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम क्या चूज करें क्या नहीं चूज करें, है ना। अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि भाई क्या चूज करें, उस टाइम पे हम अपना पसंद की चीज ले सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तो जो चीज अपने को मिल रही है, जो चीज मिल रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें से जो भी चीज है उसको पिक करते हैं। मिल रही है तो भाई लेना ही पड़ेगा, और उस केस में जो है वो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब हम चीज़ों को अपनी बिना मर्जी के पिक करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कम से कम उसमें है क्या। तो इलेवंथ क्लास ट्वेल्थ के अंदर आपको साइंस से रिलेटेड जो है वो जरूरी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है ना। जरूरी चीज़ें बता के आप उस सब्जेक्ट के अंदर एंटर हो सकते हो, उस सब्जेक्ट के साथ कैसे खेलना है ये पता चल सकता है आपको हायर स्टडीज़ के अंदर। तो दो, और दूसरा था नॉन मेटल, एक तो था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल, और उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, कि बात खैर अलग है, वो तो अलग प्रॉपर्टी वाले हैं, पर मेटल में ही प्रॉपर्टीज काफी वेरी करती है और नॉन मेटल में ही काफी वेरी करती है। जैसे मैं बात करूं, सोडियम के वायर नहीं बना सकते, क्या हम सोडियम की टेबल बना सकते हैं, पर हम आयरन की टेबल जरूर बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, आयरन की रिएक्टिविटी मतलब उसके कंपेरिजन में बहुत कम है, ठीक है ना। सोडियम के ग्लास में पानी भर के पानी पी सकते हो क्या, पर कॉपर के ग्लास में पानी भर के पानी पी सकते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में क्या हम कैल्शियम को यूज कर सकते हैं, पर किसको यूज कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर को कॉपर को यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मेटल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मेटल्स में ही प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इस वजह से ये जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मेटल्स की। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या है, दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, कि आपने हैमर मारा, आपने प्रेशर मारा और वो टूट जाए। आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं पर मेटल्स ब्रिटल नहीं होती है, क्यों, उसका रीजन से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, मेटालिक एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली क्या है, स्लाइड कर सकते हैं, उनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं लगता है, इस वजह से वो ब्रिटल नहीं होते हैं, पर वो डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, पर सारे नहीं होते। समझ में आ गई बात, ब्रिटल तो नहीं होते, मेटल्स ब्रिटल नहीं होती हैं। फिर देखे, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो मेटल्स हैं ये कंडक्टिविटी शो करती है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल की भी और हीट की कंडक्टिविटी शो करती है दोस्तों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो चाहे वो हीट की फॉर्म में हो। समझ में आ गई बात, दे आर हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ लश्यर, लश्यर मतलब चमक। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सरफेस पे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, इस तरीके से वो गुड क्वालिटी की जो चमक है वो शो करते हैं। दे आर सोनोरस, मतलब उनके ऊपर हैमर मारो तो आवाज आती है। देखो ना आप, आयरन के ऊपर हैमर मारते हैं तो आवाज आती ही नहीं आती है, ठीक है ना। तो दे आर सोनोरस, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के अंदर दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। डायमंड को छोड़ दो, डायमंड को छोड़ के बाकी तो जबरदस्त हार्ड है, बोरोन को छोड़ दो, जबरदस्त हार्ड है बाकी सब, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स में भी, बहुत वास्ट है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, शुरू में तो बहुत अच्छा था, उसके बाद वो क्लासिफिकेशन फेल हो गया। इन जनरल दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन जनरल दे आर नॉट गुड कंडक्टर, थोड़ा सा मिस हो गया,
कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, ठीक है ना. इन जनरल दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है. ग्रेफाइट के अंदर फ्री पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो घूमते एक जगह से दूसरी जगह पोस्ते रहते हैं, इस वजह से वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं. समझ में आ गई बात, कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को. इसलिए ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड्स में भी किया जाता है. किसके अंदर किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स के अंदर किया जाता है. तो ग्रेफाइट को छोड़ के इन जनरल नॉन मेटल जो है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते. डायमंड के वायर, अरे खैर डायमंड तो वैसे भी महंगा है, उसके वायर तो बना भी नहीं सकते हैं बेटा, ठीक है. पर इन जनरल बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल के कंडक्टिविटी नहीं होती है. समझ में आ गई बात. अगर नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी होती तो हमें एयर में जाने में काफ़ी दिक्कत होती. क्यों होती, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं और बीच में एयर है. अगर एयर कंडक्टिंग होगी तो हमें चलते चलते करंट लगेगा. समझ में आ रही है बात. इसलिए क्या है, मतलब हमें है ना झटके लगेंगे और इस वजह से दिक्कत आएगी. तो ये तो प्रैक्टिकली अपन समझ सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करती है, क्योंकि एयर में N2 और O2 होते हैं. उसके बाद में बात करें, नो रश्चर, कोई चमक नहीं होती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं सरफेस पे. इलेक्ट्रॉन का पढ़ना, एनर्जी का पढ़ना, लाइट का पढ़ना, एब्जॉर्ब होना और रिफ्लेक्ट होना, वो वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं. किसके अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर. सोनोरस प्रॉपर्टी, कोई सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती है. मारने पे कोई आवाज़ नहीं आती है. किसके अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर. तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी. ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया किसके आने की वजह से, मेटलोइड के आने की वजह से. किसके आने की वजह से, मेटलोइड के आने की वजह से. मेटलॉइड जिनकी मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसी प्रॉपर्टी होती है. कौन कौन से होते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स होते हैं अपने पास में सिलिकॉन. बोरोन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. पीरियोडिक टेबल क्लास 11 के अंदर बोरोन को नॉन मेटल और नहीं बता रखा है ना, मेटल बता रखा है वहां पे, मेटलॉइड बता रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है. आप अगर ग्रुप स्टडी करोगे, अगर आप 13 के स्टूडेंट हो, आप 12 के स्टूडेंट हो और आपने क्लास 11 की NCERT ढंग से पढ़ी है, तो आपने देखा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 के अंदर एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है. वहां पे साफ-साफ लिखा हुआ है बोरोन इज अ नॉन मेटल व्हाइल एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम आर मेटल्स. समझ में आ गई दोस्तों बात. तो बोरोन नॉन मेटल है. क्या है, नॉन मेटल है. मैं बात कर रहा हूं मेटलॉइड की. तो सिलिकॉन भी नहीं है. सिलिकॉन अगर आप ग्रुप 14 उठा के देखोगे तो कार्बन फैमिली के अंदर कार्बन सिलिकॉन को नॉन मेटल बता रखा है और जर्मेनियम को जो है वो मेटलॉइड बता रखा है. टिन और लेड को मेटल बता रखा है बेटा दोस्तों. तो यहां पे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और सेलेनियम और टेल्यूरियम, ढंग से बहुत अच्छी अच्छी बुक से ये चीज़ें कंक्लूड कर रहा हूँ मैं कि सिर्फ पांच ही मेटलोइड होते हैं. सिर्फ कितने, पांच ही मेटलोइड होते हैं. बिल्कुल आप इसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें कि मेटलोइड जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी और टेल्यूरियम होते हैं. तो जब मेटलोइड की डिस्कवरी हुई तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया. और उसके बाद में आए डोबेराइनर. कौन आए बेटा, डोबेराइनर थे जिन्होंने एलिमेंट्स को फर्दर सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया. मतलब जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम थी, उन्होंने उनको इकट्ठा किया. बहुत सारे एलिमेंट उन्हें इकट्ठे किए. क्या करते थे, वो एक ऐसे बोर्ड बना लेते थे, ठीक है ना. सेम एलिमेंट्स की, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखते थे. तो उन्होंने क्या देखा कि सेम प्रॉपर्टी वाले तीन एलिमेंट ABC अगर उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखें, तो जो बी का मास है, एटॉमिक मास ऑफ बी ए और सी के मास का क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन या एवरेज आएगा. ये डोबेराइनर का ट्रायड लो था. ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज. यहां पे ध्यान रखें एटॉमिक मासेज. एक सिंपल सी आपको बात बता देता हूं मैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मासेज चल रहा था. क्या चल रहा था, एटॉमिक मासेज. किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सब एक के पीछे एक चले जा रहे थे. डोबेराइनर ने कहा
डोबेराइनर ने कहा कि भैया ट्राइड लो मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो उसके आगे आने वाला न्यूलैंड वो भी एटॉमिक मास, उसके बाद में लोथर मेयर वो भी एटॉमिक मास, फिर आया मेंडलीफ उसने भी एटॉमिक मास। इनकी पीरियोडिक टेबल के कई सारे ड्रॉबैक थे पर इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी दिमाग नहीं लगाया, बिना बात के साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा सिर्फ एलिमेंट्स को पकड़ा और डेटा एनालिस्ट थे ये, साइंटिस्ट कम बोलो इनको क्या बोलो, डेटा एनालिस्ट। इन्होंने डेटा लिखा और उसको मैच करने की कोशिश करी, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए कि क्यों एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इन सबको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाया क्योंकि इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ कमियां रही है, और वो सबसे बड़ी कमी थी इनका एक्सपेरिमेंट ना करना। इन्होंने सिर्फ डेटा उठाए हैं और डेटा उठा के इन्होंने सिर्फ उसकी बात करी है क्योंकि उस टाइम पे ये थे, हम नहीं थे, क्या पता हम दूसरे रूप में हो, हम नहीं थे, ना एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे, इसलिए इनकी खूब चली है। पर इनको थोड़ा सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्होंने लोगों को एक सोच दिए कि किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, इनके बेसिस पे ही पीरियोडिक टेबल बनी है, इसलिए इनको हम पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या कोशिशें करी है इसलिए हम उसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा क्या था, इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन, ये पहला अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स को, सेम प्रॉपर्टी वालों को एक साथ। ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। यहां पे देखिए तीन एलिमेंट कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम को एक साथ लिया, इनका एक ट्राइड बनाया गया, ट्राइड में देखा कि जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक मास 40 है और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 87.5 है और बेरियम का जो है 137 है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है ऑलमोस्ट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 88.5 जो भी वैल्यू आएगी, और इससे हमें ये पता और आखिरी के मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के तो वो ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी वाले होंगे। समझ में आ गई बात, यहाँ से ग्रुपिंग होना चालू हो गई, वर्ड आने लग गया ग्रुप, मतलब सेम प्रॉपर्टी वालों को रख दो किस में, सेम ग्रुप में। समझ में आ गई बात, तो यहाँ से कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम की बात आई, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। अब देखो ड्रोबेराइनर ट्राइड को चेक करने का तरीका, हम क्या करें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ले लें, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको किसी का एटॉमिक मास याद रखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे तरीका बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक है यहां पे किसकी, डोबेराइनर ट्राइड को डायरेक्ट चेक करने की, किसकी डोबेराइनर ट्राइड को डायरेक्ट चेक करने की, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्या डोबेराइनर ट्राइड है, बिल्कुल है। अपन को मैजिक नंबर याद थे कौन से होते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखो यहां से डिफरेंस आया 8 का एटॉमिक नंबर में, मैं ट्रिक बता रहा हूं भैया, ट्रिक क्या है कि एटॉमिक नंबर में डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो वो डोबेराइनर ट्राइड है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, यहाँ का 18 का, तो ये डोबेराइनर ट्राइड नहीं है। डोबेराइनर ट्राइड के लिए उनके बीच का एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, इसलिए दोस्तों ये डोबेराइनर ट्राइड नहीं है। समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात, क्लियर क्लियर एकदम। नेक्स्ट उसके बाद में फेल होने के रीजन, सारे एलिमेंट्स को एक साथ नहीं रख पाए, ये रहा इसका मेन फेल होने का रीजन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से इनको एक साथ रखना चाहिए था, पर वो तो तीन के चक्कर में फंस गया तो गेम हो गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने अपनी कमियों से नहीं सीखा है, और हम हिस्ट्री डेवलपमेंट इसीलिए पढ़ते हैं कि हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उनकी कमियां हमें ध्यान रहे कि हम आगे जाके गलती ना करें, ठीक है ना, दूसरे को वो चीज़ सोचने में ना आए, या अगर दूसरा आपकी गलती को बता रहा है तो आप उसके ऊपर वर्क करें और उसको सही करें। समझ में आ गई बात, तो डोबेराइनर ट्राइड लो, मेरे आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर से देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम,
सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ट्राइड नहीं है क्योंकि यहाँ डिफरेंस 18 का है, पर पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो है वो ट्राइड है क्योंकि यहाँ डिफरेंस 18-18 का है। तो ये थोड़ा सा देखने वाला तरीका है, ट्रिक ऑफ डोबेराइनर ट्राइड। अब उसके बाद में आए न्यूलैंड। अब इन्होंने भैया क्या है कि देख लिया, जो पीछे वाले आगे आने वाले साइंटिस्ट है ना, उन्होंने देख लिया कि हो क्या रहा है। उन्होंने बोला कि भैया एटॉमिक मास का खेल चालू हो चुका है, मतलब प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एटॉमिक मासेस के ऊपर, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है किसकी, एटॉमिक मास की। कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। तो दोस्तों यहां पे आ चुका है अपना न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या करा, न्यूलैंड एक प्रकार का संगीत प्रेमी था, उसको संगीत बहुत अच्छा लगता था, तो उसको एलिमेंट्स में भी संगीत नजर आ रहा था। वो उसने देखा कि जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स कौन सी, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा में पहला और आठवां नोट सेम है, उसी तरीके से अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख दे, तो पहले और आठवें का एटॉमिक मास सेम होगा, पहले और आठवें का जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। ये किसने कहा था, न्यूलैंड ने कहा था। जिस तरीके से सा रे गा मा पा धा नी और फिर आ गया सा, तो पहला और आठवां जो है वो सेम प्रॉपर्टी वाला होगा, ये कहा था न्यूलैंड ने। दूसरा पॉइंट और ध्यान रखे, एक तो मैंने बोला न्यूलैंड तक सब कुछ, सॉरी मेंडलीव तक सब कुछ किसके ऊपर चल रहा था, एटॉमिक मासेस के ऊपर चल रहा था। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं कि इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोवल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो देखें, व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट देयर देन एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी सिमिलरली एज द एट नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। सोडियम एट्थ एलिमेंट रिसेम्बल इन इट्स प्रॉपर्टी विद लिथियम, सिमिलरली पोटेशियम इज द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम सोडियम एंड सो ऑन। नेम ऑफ एलिमेंट दे रखा है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज लिमिटेड अप टू ओनली 20 एलिमेंट्स तक ही ये क्लासिफिकेशन था। देखो रिजिड होने का नतीजा देखो, अगर जो ये न्यूलैंड जो है अगर रिजिड नहीं होता, ये अपना एट का चक्कर खत्म कर देता, तो मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर नहीं बोलते, किसको बोलते, न्यूलैंड को बोलते, क्योंकि न्यूलैंड ने ही एक टेबुलर फॉर्म दी थी जिसके अंदर ग्रुप और पीरियड जैसी चीजें नजर आ रही थी। समझ में आ रही है बात, तो न्यूलैंड रिजिड होने का नतीजा है। रिजिड नहीं होना है जिंदगी में कभी भी, फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है ना। आपने देखा होगा तूफानों में वो पेड़ गिरा करते हैं जो अकड़ में खड़े होते हैं, जो पेड़ लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तूफानों में उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसलिए दोस्तों ये जिंदगी की सीख है, रिजिड नहीं होना है। ये अगर रिजिड नहीं होता, अगर ये हर एट एलिमेंट की बात नहीं करता, तो इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता और यही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल होता। पहली बार टेबुलर फॉर्म में अगर अरेंज होने की बात आती तो वो किसकी आती, न्यूलैंड वाली बात आती, पर इसने अटका दिया मामला क्या, एट के ऊपर। अगर ये सिंपली कह देता एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आते हैं, अगर उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रख दें, तो ये हो जाता क्या, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पापा। समझ में आ गई बात, पापा हो जाते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले ड्रॉबैक तो क्या हो गया कि इन्होंने एटॉमिक नंबर 20 तक ही अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो जाती तो उसी टाइम इनका गेम हो चुका होता, क्योंकि फिर लिथियम और सोडियम जो है वो नाइन्थ एलिमेंट होता। लिथियम से सोडियम नाइन्थ एलिमेंट होता। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था किसका, न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल का। समझ में आ गई बात, पर ठीक है, उन्होंने प्रयास किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद आए लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या करा, बहुत सारे ग्राफ बनाए।
दो बहुत सारे ग्राफ बनाए पर किसके वर्सेस में बनाए, प्रॉपर्टीज के ग्राफ बनाए, मेल्टिंग पॉइंट के, डेंसिटी के, बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है ना। तो बहुत सारे ग्राफ बनाए पर वो बनाए किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे दोस्तों? उन्होंने बनाया लोथर मेयर अरेंजमेंट एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। एक एक्सिस पे एटॉमिक मास लिया और दूसरे पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली, ग्राफ बनाए। तो उन्होंने देखा कि कई सारे ग्राफ में उन्होंने देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ही पोजीशन पे आ रहे थे। जैसे अगर अपन बात करें एटॉमिक वॉल्यूम वाले पे, तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास वाला जो ग्राफ था उसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम पोजिशन पर आ रहे थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इनके एटॉमिक मासेस सबसे ज़्यादा थे। एटॉमिक वॉल्यूम क्या है वो सबसे ज़्यादा थे। अब एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे एक मोल है ना एलिमेंट, मतलब एटम जितनी स्पेस कवर करते हैं वो उसका एटॉमिक वॉल्यूम है। एक मोल एटम जितनी स्पेस कवर करते हैं वो उसका एटॉमिक वॉल्यूम है। यहाँ पे वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब से नहीं निकलेगा। अपन जनरली कई बेवकूफ ये बताते हैं कि जिसका आर ज़्यादा होगा उसका V ज़्यादा होगा, समझ गए? ऐसा नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है एटम से, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है पर एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि F2 मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल मतलब F2 यूनिट्स है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है तो डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो एक में जो एक मोल फ्लोरीन एटम्स को अगर आपको रखना है ना तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, समझ गए? तो बहुत सारे जो यहाँ पे दिक्कतें हैं वो समझने की कोशिश करना, अपने जो मिसकंसेप्शन है उनको दूर करने की कोशिश करना। तो दोस्तों उन्होंने ये बोला कि अगर आप एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मासेस के बीच में कर्व बनाते हैं तो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम पोजिशन पर आते हैं। इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कहाँ तक नहीं हुई थी? मेंडलीफ तक नहीं हुई थी। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो गया। अब नीचे वाली पोजिशन पे चलते हैं, ठीक है ना। अब समझो नीचे वाली पोजीशन पे अपने पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम कम हो गया बेटा, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम उनका कम हो गया। सिंपल याद रखने का तरीका। अब देखो उसके बाद में सोडियम के बाद में क्या आता है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम लगा दो। सोडियम के पहले क्या आता है? फ्लोरीन। तो यहाँ फ्लोरीन लगा दो। अब आपको लोथर मेयर कर्व में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल आएगी डिसेंडिंग पोजीशन में। ग्राफ में डिसेंडिंग पोजीशन पे है कौन सी? अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अर्थ असेंडिंग पोजीशन पे हेलोजन्स। तो इसी के साथ में लोथर मेयर कर्व कंप्लीट होता है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ फ्लोटिंग द एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट आर नॉन एज लोथर मेयर वॉल्यूम कर्व, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लिया गया है। द एल्कली मेटल हैव हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम अलॉन्ग देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। बिल्कुल सही बात है, इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसके हैं? एल्कली मेटल्स के, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच आर रिलेटिवली अ लिटिल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्यूपाई पोजिशन ऑन द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। ये वाला पॉइंट कंसिडर ना करें, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो डिसेंडिंग पोजिशन पे आपके पास क्या हो गया? मैग्नीशियम, सोडियम के बाद आएगा, क्योंकि वो बेटा ऐसे याद रखो ना यार, पीक पे सोडियम है और इधर से इधर जा रहे हैं, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाली पोजिशन पे अपने पास क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। और यहाँ वाली पोजिशन पे क्या आ जाएगा अपने पास में? फ्लोरीन, ठीक है। हेलोजन्स ऑक्यूपाई पोजिशन ऑन द असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व।
ठीक है ना, वो आपको समझा ही दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड देयरफॉर दीज आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द कर्व, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद में ओहो सम्मान दिया जा रहा है मेंडलीव को, और आ चुके हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बहुत समझदार, बहुत चालाक आदमी होना जरूरी है, चालाक होना जरूरी है, जिंदगी में कोई बेवकूफ ना बनाए, ठीक है ना, चालाक बनिए, ठीक है, बदतमीज मत बनिए, तो थोड़ा सा जिंदगी की सीख साथ के साथ जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं मेंडलीव की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिनको बोला गया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बड़े समझदार इंसान, इन्होंने देखा न्यूलैंड का कोई ना कोई ड्रॉबैक था और उस ड्रॉबैक को दूर कर दिया इन्होंने एक सिंपल सी लाइन बोल के, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, तो इन्होंने क्या करा, पीरियोडिक लॉ दिया कि क्यों प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स क्यों एक साथ कैसे आते हैं, उनको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि फिजिकल और प्रॉपर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक मास के, मतलब एक पर्टिकुलर, अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखेंगे तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, पीरियोडिक फंक्शन बोला है ना, तो एक इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे, ये उन्होंने बोला, मेंडलीव ने बोला, समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। तो कुछ ना कुछ उन्होंने तरीका बताया, कुछ ना कुछ रीजन बताया, सारे गामा पाधा निशा नहीं चला, यहाँ पे होशियार आदमी है, उसने कुछ नहीं करा, उसने सबसे पहले तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल उठाया और उसके अंदर जो जो कमियाँ थी उसको थोड़ा सा उसने दूर किया, और दूर करने के बाद में अपनी पीरियोडिक टेबल बना दी, समझ गए, चालाक होशियार इंसान कौन, मेंडलीव, न्यूलैंड बेचारा भोला, समझ में आ गई बात, भोला कोई नहीं होता, सीधा कोई नहीं होता, समझ में आ गई बात, जो होता है या तो बेवकूफ होता है या समझदार होता है, दो ही कैटेगरी होती है, क्लियर बात। नेक्स्ट देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, किसके ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर, उस टाइम तक कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, 63 एलिमेंट, लिखने सब चीजें पॉइंट है ना, 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी बेटा, उसने बोला 12 हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड सीरीज, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीरीज थी, कितनी सीरीज थी, 12, कैसे है अभी बताएंगे, सब बताएंगे बेटा। फिर उसके बाद में वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देवर 8, उसने जो ग्रुप बताए 1 2 3 4 इस तरीके से पूरे 8 ग्रुप बताए, कितने ग्रुप बताए, 8 ग्रुप बताए हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में ईच ग्रुप अप टू 7th, मतलब देखो 1 2 7th वन टू सेवन्थ जो है ए और बी सब ग्रुप है, सब ग्रुप ए और बी हो गए, इसका मतलब कितने हो गए, 14 ग्रुप हो गए, ठीक है। इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं, 18 है, तो इनर्ट गैस हटाओ कितने बचे, 17, 8 ग्रुप था उसके तीन पार्ट कर दिए तो 14 + 3 = 17 हो गए। अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से रिलेट करवाऊंगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। The 8th group consisted of 9 elements in 3 row, तीन ग्रुप हो गए, ठीक है ना, और the elements belonging to the same group exhibit similar property, उन्होंने कहा जो एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जो एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है ना। तो मेरिट्स पे बाद में आएंगे, थोड़ी सी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले तो अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से है, लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, ये 4F है, ये 5F है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, ठीक है ना, सिंपल है बेटा, सिंपल है, कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। और यहाँ पे अपन जानते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, सेकंड ए, ठीक है। अब समझो ढंग से, जो पीरियोडिक टेबल थी ना उसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये जीरो ग्रुप है जिसको अभी नाम नहीं दिया, ठीक है।
अब ढंग से देखना पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही चलना है लाइन से, दिमाग नहीं लगाना है। कई लोग पढ़ाते हैं एस एंड पी ब्लॉक जो है फर्स्ट ए टू सेवंथ ए है, ठीक है, ए नहीं है ये, पी ब्लॉक ए नहीं है, बी है, क्या है, बी है। आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए, चलते जाओ, तो यहाँ पे थर्ड ए ग्रुप नंबर कौन सा होगा, थ्री होगा, फोर फाइव सिक्स सेवन, ग्रुप नंबर सेवन तक हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कौन सा, सेवन्थ ए, ठीक। उसके बाद में एट नाइन टेन, इनको बोल दिया कौन सा सब ग्रुप, एट्थ, ठीक है। अब आएगा इलेवन और ट्वेल्व, ये हो गया सेकंड ए और सेकंड बी, और फिर थर्ड बी से चालू होगा और सेवन्थ बी तक, कहाँ तक, सेवन्थ बी तक। तो ये कई लोग गलत पढ़ाते हैं, एस एंड पी ब्लॉक आर फर्स्ट ए टू सेवन्थ ए, और कई लोग ये बताते हैं कि डी ब्लॉक जो है थर्ड ए, सॉरी डी ब्लॉक जो है वो फर्स्ट बी से लेके और सेवन्थ बी और साथ में एट्थ, इस तरीके से है, काउंट करके देख लो, सेवन प्लस थ्री टेन ग्रुप हो गए किसके, डी ब्लॉक के, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन को यहाँ पे ध्यान देना है, गलती ये होती है, मिसकॉन्सेप्शन है, आप तो सीधे लेते चलो, पहले ए ले लो, फर्स्ट से लेके सेवन्थ लिख लो, पहले ए हो गए, उसके बाद में एट्थ होगा, फिर सेकंड से लेके पूरा सेवन्थ तक लिख लो, मतलब फर्स्ट ए से लेके फर्स्ट बी आएगा ना यहाँ पे, फर्स्ट बी, ठीक है, ये फर्स्ट बी, अब ठीक। तो फर्स्ट बी से लेके और सेवन्थ बी तक आप लिख लो, सेवन्थ बी कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रुप नंबर 17, जिसको अपन हेलोजन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये भी आपके सात ग्रुप हो गए, सात इधर और तीन इधर, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इसके अंदर गलती होती है, कई लोग गलत भी पढ़ाते हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में सीरीज। तो आपने देखा फर्स्ट ए और सेकंड ए, सॉरी फर्स्ट एंड फर्स्ट बी की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। फिर पोटेशियम के बाद में कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और उसके नीचे 4F और 5F, इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो सीरीज कितनी हो गई बेटा, बारह, सीरीज कितनी हो गई, बारह, और ग्रुप वापस से कितने हो गए बेटा, वन टू फर्स्ट टू सेवन्थ, है ना, और दो सब ग्रुप ए एंड बी, और एक और कौन सा हो गया, एट, जिसके तीन पार्ट, ठीक। तो ये हो गया, फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, सो स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम ईजियर। उन्होंने क्या करा, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा, तो उनकी जो स्टडी करना है वो बहुत आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, उन्होंने क्या करा, जगह छोड़ दी किसके लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना, उन एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, उन एलिमेंट्स की बात करें, तो वो एलिमेंट्स थे कौन कौन से, स्कैंडियम है ना, गैलियम और जर्मेनियम और टेक्नीशियम, ठीक है, टेशेंटियम भी बोलते हैं कई लोग, टेक्नीशियम भी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, और कुछ नहीं है। तो इनके नाम दे दिए उन्होंने, उनका फ्यूचर में ये डिस्कवर होंगे, इनके नाम दे दिए, इसका नाम दे दिया एका बोरोन, इसका नाम एका एल्यूमिनियम, इसका एका सिलिकन, क्योंकि ये सिलिकन के बाद आता है या एल्यूमिनियम के बाद आता है, और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ये थर्ड बी का है और ये थर्ड ए का है, ठीक है, उसके बाद यही आता था, और मैंगनीज एका Thank you.
एका है ना, और ये एका मैंगनीज, ठीक है। तो अब इनको याद करने का भी तरीका है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है बीएससी, आलू गालू, आलू और गालू है ना, सीता गीता और एमटेक। देखो क्या है, कहानी यह है कि आजकल के लड़के जो है वो कई बार लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो बेचारे लड़के तो है, मतलब बेवकूफ़ी लड़कियों लड़कों के साथ ही होती है मैक्सिमम इस एज में, ठीक है। लड़कियां समझदार होती है लड़कों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उनको अपने करियर की परवाह होती है, तो वो पढ़ाई पे ध्यान देती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप अपनी जगह, पर वो पढ़ाई पे भी ध्यान देती है, समझ गए बात को। लड़के सिर्फ रिलेशनशिप 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 में रह जाते हैं, और फाइनली लड़कों को करनी पड़ती है क्या बीएससी, और लड़कियां कर चुकी होती है क्या एमटेक। तो आलू गालू नाम के दो लड़के थे, सीता गीता नाम की दो लड़कियां थी, समझ में आ गई बात। ये भी दोस्त और ये भी आपस में दोस्त, समझ रहे हो ना। तो आलू गालू को फाइनली करनी पड़ी क्या बीएससी, और सीता गीता को करनी पड़ी क्या एमटेक। तो ये याद रखने के तरीके, एमटेक मतलब मैग्नीशियम और टेशेंटियम, और सीता गीता मतलब सिलिकन और जर्मेनियम, आलू गालू एल्यूमिनियम और गैलियम, और बीएससी मतलब बोरोन और स्कैंडियम। ये इनको याद रखने का तरीका है कि बीएससी आलू गालू सीता गीता एमटेक, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट उसके बाद में और बात करें तो लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करें, एक बार पढ़ लेते हैं चलो। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इट गिव एनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट एज सून एज गैप्स आर लेफ्ट इन इट। स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम और टेशेंडियम वर द एलिमेंट्स फॉर होम पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज वर डिफाइंड बाई मेंडलीफ। इन्होंने कहा कि भैया ऐसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट वापस आएंगे, आने वाले हैं, डिस्कवरी होने वाली है, तो समझदार आदमी उसने पहले ही जगह छोड़ दी। इवन बिफोर देयर डिस्कवरीज एंड ही लेफ्ट द ब्लैंक स्पेसिस फॉर देम इन हिज टेबल। अब देखो यार होता क्या है, कई बार क्या होता है कि ये जो जब वो टेबल बना रहे थे तो टेबल के अंदर उन्होंने क्या किया कि टेबल के अंदर उन्होंने जगह छोड़ दी, क्योंकि वहाँ एलिमेंट मिल ही नहीं रहा था प्रॉपर्टी वाला। तो उन्होंने ऐसा सोच लिया कि यार यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर में हो सकता है ऐसा एलिमेंट आए, तो अपन क्या करो इसका नाम आज ही दे दो। और उन्होंने उस तरीके से उसके नाम दे दिए, और इस तरीके से टेबल बन गई। देखें फिर ब्लैंक स्पेस एट एटॉमिक वेट 72 इन सिलिकॉन ग्रुप वॉज कॉल्ड एका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के नीचे वाला एका सिलिकॉन, जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन की जैसी होगी। एंड द एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर वॉज नेम्ड जर्मेनियम, सिमिलरली अदर एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वर एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम को बोल दिया गैलियम, एका बोरोन को स्कैंडियम, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम, एका मैंगनीज को टेशेंटियम। नेक्स्ट करेक्शन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, करेक्शन क्या थे, उन्होंने जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर रखा तो उन्होंने देखा कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं, उनकी वैलेंसी सेम है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था ना 1, 2, 3, 4 रोमन नंबर्स के अंदर जो उन्होंने ग्रुप नंबर दिखाया था वो उनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे मैंगनीज और क्लोरीन ये 7th A है और ये 7th B है, इनकी दोनों की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी 7 होती है, ठीक है। तो ये 7 इसी के बेसिस पे आया था। कॉपर जो है वो +1 और लिथियम भी +1, इसलिए ये फर्स्ट ए था और ये फर्स्ट बी था, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखा, और वो किसके बेसिस पे था, वैलेंसी के बेसिस पे। तो वैलेंसी के बेसिस पे उन्होंने देखा कि यार बेरिलियम की वैलेंसी तो 2 आ रही है, और पहले कितनी मानी जाती थी, 3 मानी जाती थी। तो इस तरीके से पहले उसका एटॉमिक मास जो है वो 4.5 × 3 = 13.5 माना जाता था, ठीक है ना। पर वास्तव में उसका एटॉमिक वेट एटॉमिक मास कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 थी। वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से उसने कई सारे एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट में करेक्शन किया, वो एटॉमिक वेट कौन कौन से थे, यू बेईमान इंसान और पंडित, यूं बेईमान इंसान और पंडित, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्या लिखा मैंने, इसकी ट्रिक क्या बोली, यू बेईमान इंसान और पंडित।
पंडित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें, डीमेरिट्स क्या थी। हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक पॉसिबल मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल जैसी भी थी और हेलोजन्स जैसी भी थी, तो दिक्कत थी कि उसको कहाँ पे रखा जाए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, आज भी सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है ना, हाइड्रोजन की यूनिक पोजीशन है अपने आप में। ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप अब इन्होंने यार देखो बोल दिया एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, तो आइसोटॉप जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों के एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो है वो अलग अलग होते हैं और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, तो इनको एक पोजीशन पे क्यों रखा रहे, बेवकूफ को समझ में नहीं आया। अगर ये उस टाइम समझ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, एटॉमिक मास की जगह उसी टाइम एटॉमिक नंबर कर देता, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तीनों को एक साथ रखा और यार तीनों के एटॉमिक मास डिफरेंट है और मैं रूल बना रहा हूँ कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख दो, तो फिर प्रॉपर्टी सेम कैसे होगी। अरे बेवकूफ़ आदमी, अगर तू ये देखता कि इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है तो मोजले को एक्सपेरिमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे ही चिपका दे सकता था वहाँ पे, कोई ड्रॉबैक नहीं आता यहाँ पे एटॉमिक मास वाला, समझ में आ गई बात। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। ठीक है ना, नेक्स्ट उसके बाद में पोजीशन ऑफ आइसोटॉप समझ में आ गया, अलग अलग रखना था पर एक साथ रख दिया, अपने रूल को ही वायलेट करने की कोशिश कर रहा है इंसान। उसके बाद में एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से थे, मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल के वो थे। अब एनोमलस पेयर क्या है, देखो उसने क्या करा, प्रॉपर्टी सेम रखने के चक्कर में अपने रूल की बैंड बजा दी, उसने कहा एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे रखो, पर उसने देखा कि अरे यार यहाँ तो उल्टा काम हो गया, वैसे तो आयोडीन पहले आना चाहिए था, टेल्यूरियम बाद में आना चाहिए था, पर प्रॉपर्टी के हिसाब से टेल्यूरियम को पहले रख दिया और आंखों में मिर्ची फेंक रहा है इंसान सीधे सीधे, मतलब आपको रूल बता के खुद ही उस रूल को वायलेट कर रहा है, समझ में आ गई बात। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, तेरी इच्छा है ना, ठंडा पेप्सी स्पेलिंग देख लेना, कोक नहीं। ठीक है, मतलब इंसान को पेप्सी पसंद है, कोको कोला पसंद नहीं है, इसलिए इंसान को बोलने जा रहा है अपने दोस्त को, एक दोस्त बोल रहा है कि यार जो तेरी इच्छा है ना वो ठंडा पेप्सी पीने की होती है, कोक पीने की नहीं होती है, तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं है, इसको याद रखने का तरीका हो गया। ये एनोमलस पेयर हो गए, ठीक है ना, जिनमें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वो आते बाद में, पर मेंडलीव के हिसाब से आने पहले चाहिए थे, क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो कम होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। अगर वो फिर यहाँ पे कह रहा हूँ एटॉमिक नंबर अगर ढंग से देखता, इसको करने कोशिश करता, तो काम खत्म हो जाता। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, लाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। अब AU और PT इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रख दिया, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, दोनों नोबल मेटल्स है। ठीक है ना, तो इनको एक साथ रखना था, अलग अलग ग्रुप में रख दिया, ये चला गया कौन से में, 8th में, और ये चला गया किस में, फर्स्ट बी के अंदर। ठीक है, तो दिक्कत हो गई। दूसरी चीज़, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही सब ग्रुप के अंदर रख दिया, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, हाईली रिएक्टिव, CU, AG, AU, वेरी लो रिएक्टिव, दोनों को एक साथ रख दिया, ये भी बड़ी दिक्कत थी। ठीक है ना, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फिर देखो, फिर आए मोजले ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया कि एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। कैसे डिपेंड करती है, इस चीज़ को समझो। उन्होंने क्या करा, मेटल ली, बहुत सारी मेटल, उसके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब हुए, कुछ रिफ्लेक्ट हुए, जो रिफ्लेक्ट हुए उनकी फ्रिक्वेंसी मेज़र करी और ग्राफ बनाए, बहुत सारे ग्राफ बनाए। ठीक है ना, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ लिख दी उन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ली, पहले एटॉमिक मास लिया तो कोई ग्राफ प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, पर फिर उन्होंने जैसे ही एटॉमिक नंबर लिया तो यहाँ पे एक पेराबोला बन गया, तो उन्होंने क्या करा, अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी किया, तो और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एटॉमिक
नंबर के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ से कोई लॉजिकल बात हुई क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बेसिस पे उन्होंने चीज़ों को बोला, मोजले प्रूव दैट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू है ना ऑफ द रेज विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम द मेटल ऑन बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप देख सकते हैं, ठीक है। जेड इज न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑन द एटम एंड ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट, द न्यूक्लियर चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से आ गया, एटॉमिक नंबर की वजह से यहाँ पे अपन बोल रहे हैं। तो पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या हो गया, पीरियोडिसिटी अब आएगी बात कॉन्सेप्ट वाली के सेम ग्रुप के अंदर उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको अपन बोलते हैं, मॉडर्न लॉ हो चुका है। नेक्स्ट अब बात आती है डिफरेंस की, मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल और किसकी बात करते हैं अपन, मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, मेंडेलीफ और मॉडर्न, ठीक है, इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई थी। यहाँ पे अपन ने ग्रुप्स जो थे, क्या थे ग्रुप कितने थे, 1, 2, 7 ए एंड बी एंड एट्थ, ठीक है ना। और यहाँ पे एट्थ और यहाँ पे 1, 2, 7 तो थे ही सही, 8 था ही सही, और साथ में आ गया क्या, 0 ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो जितने भी एक्सेप्शन थे, हाइड्रोजन वाला एक्सेप्शन तो अभी भी रहेगा, ठीक है, तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं सॉल्व हो गया, आइसोटॉप सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो ही गई थी, इनर्ट गैसेस के आने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रुप पीरियड थे, मतलब जिनको क्या बोला जा रहा था, सीरीज बोला जा रहा था, वो सीरीज थी 12, यहाँ पे सीरीज जो है वो 7 ही रह गई, मतलब उनको पीरियड बोल दिया गया। अब सीरीज को क्या बोल दिया, पीरियड बोल दिया। 4F और 5F को अलग से रखा गया, किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो दोस्तों ये थी अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अब इसमें एक लॉन्ग फॉर्म जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर होने लगे, तो IUPAC ने झगड़ा ख़त्म करने के लिए IUPAC नेमिंग एक दी है ना, 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वाले एलिमेंट, जिसको IUPAC ने बोला कि भाई इनको कॉमनली जाना जाए। सपोज करो डिस्कवरी हो रही है, कोई एलिमेंट जो है वो कनाडा मतलब अमेरिका में डिस्कवर हुआ, कोई जापान में हुआ, कोई ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कोई नॉर्थ कोरिया में हुआ, कोई साउथ कोरिया में हुआ, एक ही एलिमेंट अलग अलग जगह डिस्कवर हुए, तो सब अपनी जो है वो वहाँ पे बता रहे हैं। जब उनका डिस्कशन हो रहा है कि साहब हमने डिस्कवर किया, तो सब ने एक्सपेरिमेंट भी बताए, तो सब ने अपने अपने हिसाब से नाम दे दिए। तो IUPAC ने झगड़ा ख़त्म करने के लिए उनके एक कॉमन नाम का एक रूल दिया, ठीक है ना, जिसमें हम एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर बात करते हैं, जिसमें इन्होंने 0 को बोला निल, 1 को बोला अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, हेप्टनिस, क्या बोला, सेप्ट। इसका रीज़न है क्योंकि अगर ये एच से चालू होगा, ये भी एच से चालू होगा, तो आगे जब अपन इनका सिंबल बनाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। 8 का ऑक्ट, 9 का एन। अब देखो शॉर्ट में, जैसे सपोज करो आपको लिखना है 100, तो 1 को लिखेंगे अन, ये रहा अन है ना, फिर 0 को लिखेंगे क्या, निल, 0 को लिखेंगे क्या, निल, तो नाम क्या हो गया, अन निल निलियम। ईएम सफिक्स लगाना है, क्या लगाना है, ईएम सफिक्स लगाना है नाम के बाद में, ठीक है। पर अब समझो यहाँ पे कि यहाँ पे 2N एक साथ आ रहे हैं, तो 2N एक साथ नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, अन है ना, अन, दो तो ये वाला तो आएगा, इन दोनों में कॉमनली एक ही लेंगे, अन निल
निलियम, क्या नाम हो जाएगा, अनिल निलियम, ठीक है ना। दो जो एडजेसेंट एक साथ, दो दो के एक साथ एन आ रहे हैं, उनको एक साथ मिलेंगे, अनिल निलियम हो गया। अब इसका सिंबल क्या होगा, वन का मतलब अन मतलब यू, ठीक है ना, जीरो मतलब निल मतलब एन, और जीरो मतलब एन, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। जैसे बोला वन टू नाइन, वन टू नाइन का सिंबल क्या होगा, तो वन का मतलब यू हो गया, टू का मतलब बी हो गया, और नाइन का मतलब एन हो गया, तो यू बी ई का मतलब वन टू नाइन हो जाएगा। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है कि नाम लिख सकते हैं झगड़ा खत्म करने के लिए, और ये एटॉमिक नंबर 100 उससे ऊपर लगेगा। तो इसी के साथ में हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है, डीपीपी लेके आऊँगा नेक्स्ट टर्न पे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नया टॉपिक, पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, ठीक है, और रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेगी। थोड़ा बहुत तबीयत का इशू आ जाता है, ठीक है, इस वजह से मैं प्रेजेंट नहीं था, उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय।